हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संजय इंटरनेट पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जी इथरमिक कार्ड के जो 500 रुपये हैं, अगर आपके नहीं आए हैं तो आपको क्या करना होगा। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, जो आपको 1000 रुपये और जो 500 रुपये हैं वो आपको दोनों ही मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने पहले से कर लिया है तो बहुत ही अच्छा है, अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन को भी ऑल कर लें। तो चलो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब आपने अपना जो ईश्रमिक कार्ड है बनवाया था उसको पहले EKYC करनी होगी आपको। तो EKYC दोस्तों मैंने पहले आपको बता दिया था कि EKYC कैसे करेंगे, उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको वॉच करके आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, EKYC कैसे करेंगे। और दोस्तों, जैसे कि EKYC करते समय आपको वहां पर क्या करना होगा, तो मैं बता दूं दोस्तों, आपको अपना जो अकाउंट नंबर है उसको अच्छी तरह से जाँच लें। ठीक है दोस्तों, अगर आपके अकाउंट नंबर में कोई भी मिस्टेक है तो आपके ईश्रमिक कार्ड के 1 वीक किस्त है वो नहीं आने वाली है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों फिर अगर आपका अकाउंट नंबर बिल्कुल ठीक है, अगर आपने अकाउंट चेक कर लिया है और आपका अकाउंट नंबर बिल्कुल ठीक है तो आपका पैसा फिर भी नहीं पहुंच रहा है, तो दोस्तों मैं बताता हूं आपको, ये पैसा है दोस्तों DBT के माध्यम से आधार कार्ड के जरिए पहुंच रहा है। आपकी किसी बैंक में आधार कार्ड लगा हुआ है तभी आपका पैसा है वो पहुँचेगा। तो दोस्तों, जैसे कि काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारा आधार कार्ड भी लिंक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप काफ़ी लोगों के 2 या 3 अकाउंट होते हैं कभी कभी, तो क्या करते हैं वो, जैसे कि उनका जो पहली बार उन्होंने अपना खाता में जो आधार कार्ड है वो उसमें लगाया है और उसमें अपडेट हो गया है दोस्तों, और फिर क्या है दूसरा भी आधार कार्ड से खाता खुलवा लेते हैं, तो दोस्तों उस खाता को वो यूज नहीं करते और बंद कर देते हैं, तो काफ़ी दिनों के बाद वो खाता है वो बंद हो जाता है। तो दोस्तों DBT के माध्यम से वो पैसा है उसे आपके पुराने वाले खाते में ही जाता है, चाहे वो खाता बंद हो या दोस्तों चालू हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपका बंद हो है तो उसको आपको पहले KYC करनी होगी दोस्तों, उसके बाद आपको जो पैसा है वो आपको वहीं पर उसी खाते से निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारा दोनों में अकाउंट में दोस्तों जो आधार कार्ड है वो लगा हुआ है, तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो आधार कार्ड है हमारी फर्स्ट बार जब हम किसी बैंक में लिंक कराते हैं उसी बैंक में ही हमारा जो आधार कार्ड है वो मान्य होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आधार कार्ड से पैसे तो हम सभी में निकाल लेते हैं पर हर एक में आधार कार्ड नहीं लगता है दोस्तों। ठीक है, आधार कार्ड सिर्फ एक ही बैंक में मान्य रखता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मिलते हैं दोस्तों अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय।